खबरी में खुश आमदीद। कुछ दिन कबल बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से एक बड़ा अटैक पाकिस्तान आर्मी पर किया गया, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के 6 नौजवान शहीद हो गए। उनमें एक बड़ी शहादत पाकिस्तानी मेजर नदीम अब्बास भट्टी की थी। इस हमले से कबल साबिक भारतीय मेजर ने अपने मीडिया पर खुल्लम खुल्ला बलूचिस्तान में दरअंदाजी का एतराफ किया था। गौरव आर्य ने चंद रोज कबल बलूचिस्तान में पाक फौज पर दहशतगर्दाना हमले की भी पेशेंगोई की थी। भारतीय टीवी पर बराह रास्त एतराफ करते हुए साबिक भारतीय मेजर गौरव आर्य का कहना था कि मैं एतराफ करता हूँ बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से रابطے में हूँ। गौरव आर्य का मजीद कहना था कि वो पाकिस्तान को और सख्त जवाब देंगे। गौरव आर्य ने मजीद भड़के मारते हुए कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द मेरे दोस्त हैं, मेरे पास उनके फोन नंबर्स हैं, मैं उनसे रोजाना फोन पर गुफ्तगू करता हूँ। साबिक भारतीय मेजर का कहना था कि बलूचिस्तान में अपने दोस्तों से कहता हूँ कि मैं उनके साथ हूँ। दूसरी तरफ समाजी रابطے की वेबसाइट ट्विटर पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने लिखा है कि ये बहुत अफसोसनाक बात है, साबिक भारतीय फौजी एक मरतबा फिर बलूचिस्तान में मुदाखलत कर रहे हैं। ट्विटर पर उन्होंने मजीद ये बात लिखी है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी भारत करवा रहा है, मुहज़्ज़िब दुनिया जागे और इसका नोटिस ले।